हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनारीट्यूब प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, ये मेरी लास्ट लेक्चर है। नंबर सिस्टम आज यहाँ पे समाप्त होगा। उसके बाद जो भी आगे वीडियोस होंगी, यानी जो डेमो वीडियोस का जो सिलसिला चल रहा था यूट्यूब पर, वो ख़त्म होगा आज यहाँ पर आईडी टूल्स का। उसके बाद जो भी वीडियोस होगी आईडी टूल्स की या नोट्स होंगे, वो आपको bintube.in पर जो हमारे पेड्स हमारे स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक शेयर करिए। अगर आपका एग्ज़ाम है, अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं, तो आप बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं। और गारंटी देता हूँ कि अगर आप लेक्चर और नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो आसानी से बहुत ही कम समय में घर में कभी भी तैयारी करके ऑनलाइन आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेक्चर 18 आज कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम नंबर सिस्टम के लास्ट लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी। क्या पढ़ेंगे? ऑक्टल टू बाइनरी। बहुत सिंपल तरीका है ऑक्टल से बाइनरी करने का। ठीक, इसके लिए बस आपको क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ टेबल बना के। ठीक है, एक तब लिख लेते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर एक तरफ, बाइनरी। इसका बेस क्या होता है? 8 होता है। इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। ठीक, इसको हमें अगर बाइनरी में करना होगा तो हम इसमें 3 डिजिट लेंगे। जो बाइनरी जब कन्वर्ट होगा ऑक्टल से, तो 3 बिट का बाइनरी होगा। 2 बिट का नहीं, 3 बिट का। कैसे? तो पहले होगा 1, 2, 4। ठीक, 1, 2, 4 क्यों रखा? क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑक्टल को जब हम वो करते हैं तो उसका जो बेस निकालते कैसा होता है, ऑक्टल का बेस मिलता है R-1, यानी 8-1, यानी कहाँ तक? 7 तक वैल्यू जाती है। तो 4, 2, 6 प्लस 1, 7 तक जाती है। तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे 4, 2, 1। एक शॉर्टकट है, बहुत एकदम ईजी तरीका है ऑक्टल बनाने का। 1, 2, 4 कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख लिया। 0 में क्या होगा? 0, 0, 0। ठीक है, 1 में क्या होगा? K1 का 0, 0, 1। 2 में क्या होगा? 2 ये है 0, 1, 0। 3 में क्या होगा? 2 प्लस 1 तो 0, 1, 1। 4 में क्या होगा? 4 ये रहा 1, 0, 0। 3 का ये 4 का। 5 में क्या होगा? 4 प्लस 1, 1, 0, 1, 5। 6 में क्या होगा? 4 प्लस 2, 1, 1, 0। 7 में क्या होगा? 4, 2 प्लस 6, 1, 1, 1, 1। ठीक, तो टेबल आप बना लेंगे आसानी समझ जाएंगे। आप क्या करें, एक साइड ऑक्टल लिख लीजिए, एक साइड बाइनरी। बाइनरी की जब ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट होगा तो बाइनरी जो डिजिट होगी वो 3 हो जाएगी। कैसे होगी? 1, 2, 4 आप कर लेंगे तो इसका 3 डिजिट हो जाएगी। ठीक, अब कोई आपसे बोल दे कि आपको ऑक्टल में 56 का ऑक्टल को इसको बाइनरी में करना है। ठीक, ये आपसे कोई बोल दे वो बाइनरी में करना है आपको, कैसे करेंगे? 56 है 5 के यहाँ पे क्या है? ये रहा 1, 0। यदि आप ऐसे ही कर सकते हैं 1, 2, 4 करके 4 प्लस 1, 5। 4 प्लस 1, 5। यहाँ पर क्या होगा? 5 क्या हो जाएगा? 1, 0, 1। 6 का क्या होगा? 6 कहाँ? ये रहा 1, 1, 0, 1, 1, 0। एकदम सिंपल तरीका। बस अगर आपको ये टैब एग्ज़ाम में टेबल तो बनाना नहीं है, 1, 2, 4 याद रखो। 1, 2, 4। ठीक, कैसे? दे दिया आपको ऑक्टल, दे दिया मान लो 76। ठीक, इसको आपको करना है बाइनरी में। 7 का क्या होगा? 1, 1। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 1, 2, 4 कर लेना है। 4, 2, 6, 1, 1, 1, 1। 6 का क्या होगा? 4 प्लस 2, तो 1, 0, 1। तो ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम। 1, 1, 0, 1, 0, 1 क्या हो जाएगा? ये आपके इक्विवेलेंट टू बाइनरी हो जाएगा। इसी तरह बाइनरी से आप क्या कर सकते हैं? ऑक्टल कर सकते हैं।
माइनस ऑक्टल करना हो तो एकदम सिंपल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी ऑक्टल करना है। अभी नंबर ले लेते हैं, ठीक। इसको हमें किसमें करना है, करना है 1 to 4 का फॉर्मूला याद रखे रहना, ठीक। तो मैंने बताया 3 दिन डिजिट का होता है, ये तीन हो गए, ये वन बच रहा है। इसके आप क्या करेंगे, जीरो, यहाँ जीरो जीरो की पैडिंग कर दें, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है ना, सॉरी हाँ राइट टू लेफ्ट करेंगे, जीरो जी जीरो वन वन जीरो जीरो वन, और यहाँ पे दो जीरो पैडिंग कर लेंगे, पैडिंग हो गया, ठीक। उसको निकाल लेंगे, क्या होगा 1 2 4 कर लेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 4 यहाँ 1 हो जाएगा, 0 0 1 1 2 4 यहाँ भी क्या 1 हो जाएगा, 113 आएगा ऑक्टल में, 113 इक्वलेंट टू ऑक्टल, 1 1 0 3, ठीक है। 1 2 4 कितना, 2 1 3, 1 2 4 1, 1 2 4 1, तो 1 1 3 इक्वलेंट टू, यहाँ पे क्या होगा 1 1 3 इक्वलेंट टू, ठीक समझ में आया ना। जैसे आपको दे दी 56, सॉरी 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। ये बाइनरी से आपको ऑक्टल में करना है, ठीक, ऑक्टल में करना है सिंपल। 3 3 का बना लो, 1 1 0, 1 2 4 कर लो, 4 + 1 5, ये 3 कर लिया, 1 2 4, 4 2 6 65, ऐसा क्या 65 आ जाएगा सिंपल। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, 1 2 4 याद रखें, ठीक। तो ये हो गया, अब हम लोग स्टार्ट आगे बढ़ते हैं हेक्सा टू बाइनरी। अगला जो हम पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला हम लोग लिखते हैं हेक्सा टू बाइनरी, ये भी बहुत ईजी, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत टेबुलर फॉर्म में याद रखिएगा। हेक्सा जो हेक्सा यहाँ लिख लेते हैं, हाँ बाइनरी लिख लेते हैं। हेक्सा का बेस 16 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, और हेक्सा की जो डिजिट होती है वो 0 to base -1, बेस टू रेडिक्स माइनस वन, तो यानी 16 16 -1 = 15, यानी यहाँ पे क्या डिजिट कितने होंगे, 0 से लेके 15 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया, 11 12, हाँ बगल में लिख लेता हूँ, 13 14 15, ठीक। चलो अब कितने 16, 0 to 15, तो वहाँ हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, 1 to 4, यहाँ 1 2 4 8 कर रहे हैं, है ना, 1 2 4 8 कर रहे हैं ऑक्टल में, 1 2 4, यहाँ आप क्या करेंगे, 1 2 4 8, ये ध्यान देना, 1 2 4 8, हाँ। चलो इसको 0 0 करेंगे, यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, तो करेंगे 1 0 0 0 1 हो जाएगा, 2 करोगे तो 0 1 0 हो जाएगा, 3 करोगे 0 0 1 1 हो जाएगा, 4 करोगे 0 1 0 0 हो जाएगा, 5 करोगे 0 1 0 1 हो जाएगा, 6 करोगे 0 1 1 0 हो जाएगा, 7 करोगे 0 1 1 1 हो जाएगा, 8 करोगे 1 0 0 0 हो जाएगा, 9 करोगे, हाँ 10 को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, 11 क्या लिखते हैं, B लिखते हैं, 12 क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, ठीक ये ध्यान देना। तो हम लोग कहाँ थे, 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 10, 10 में क्या होगा 8 to 10, तो 1 0 1 0। 11 में क्या करोगे, 11 8 4 2 8 4 4 1 0 1 1, 12 में क्या करोगे, 1 1 0 0, 13 में क्या करोगे, 13 में 1 1 1 0, 15 में क्या करोगे,
13 आठ चार बारह 13 हाँ 1 चार बारह 1 13 0 1 40 में क्या करोगे, 50 में क्या करोगे, एक ये हो गया टेबल बन गया आप एक 1 2 4 8 जो भी नंबर आएगा यहाँ जो जोड़ेंगे वहाँ पे जिस जो दो नंबर जोड़ने से या तीन नंबर जोड़ने से ये नंबर आता है वही उसी जगह आप 1 लिखेंगे बाकी जगह 0 लिख देंगे सिंपल एकदम। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं चलो ले लेते हैं एक्सा नंबर ए एफ पॉइंट टू बी, इसको हमें करना है बाइनरी में, ए एफ पॉइंट टू बी को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ए क्या है, ए मतलब 10 कैसे आएगा, 1 2 4 8 लिख लो, सॉरी 1 2 4 8 हमेशा यहाँ ध्यान देना ऐसे चलेंगे ठीक, राइट टू लेफ्ट 1 2 4 8 1 2 4 देखो क्या होगा, 1 में क्या है सॉरी एफ में क्या है, एफ कहाँ है, एफ मतलब 15 1 2 3 4 ए में क्या है, ए क्या है 10 10 क्या है 8 प्लस 2 10 0 1 0 1 तो ये हो गया आपका ए एफ। पॉइंट टू भी है, पॉइंट टू टू का क्या होगा, टू का होगा 0 0 1 0 और बी का क्या होगा, बी मतलब हो गया आपका 11 11 में 11 8 2 10 प्लस 1 2 क्या होगा 8 2 10 प्लस 1 तो आंसर क्या होगा 1 0 1 0 1 1 1 1 point 0 0 1 0 1 0 1 1 ये आपका क्या होगा आंसर होगा ठीक। एकदम सरल है, बस आपको 1 2 4 8 याद रखना है और जो 1 2 4 8 की जो पोजिशनिंग होगी वो क्या होगी, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होगी, ऐसे होगी ये ठीक। ये हो गया हम लोग का नंबर सिस्टम हेक्सा टू बाइनरी। अब बाइनरी टू हेक्सा करना और एकदम सरल एकदम इजी, बाइनरी टू हेक्सा करना है आपको, ले लो बाइनरी नंबर 1 0 0 1 0 1 0 point 1 1 0 ठीक। तो हमें हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है सिंपल, चार चार का पेयर बना लो, तो 1 2 3 ये 4 हो गया, 1 2 3 0 पैडिंग कर लो ठीक, 1 0 1 0 मतलब 1 2 4 8 कितना, 8 2 10 10 का मतलब ए में कर लो 1 2 4 8 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 a point में 0 बढ़ा दो, इधर क्या होगा हाँ पॉइंट के बाद जो पैडिंग होगी वो क्या होगी लेफ्ट टू राइट होगी, पॉइंट से पहले जो पैडिंग होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। यहाँ हम किए 0 यहाँ 0 नहीं करेंगे, यहाँ 0 करेंगे 1 1 0 0 1 2 4 8 कितना 8 4 12 तो ये 12 हो गया, 4 a point 12 इज इक्वेलेंट टू दिस बाइनरी नंबर ठीक। एकदम इजी है, बस आपको टेबुलर याद रखना है, 1 2 4 8 का कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो आसानी से आप कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का ठीक है, बस आपने अगर इतना जितना मैंने पढ़ाया बस इतना आपने समझ लिया तो आप वो लेवल में बाइनरी नंबर का सॉरी नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, ये गारंटी है। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे हेक्सा टू ऑक्टल, और ऑक्टल टू हेक्सा ठीक एकदम इजी। ये मान लो हमारे पास एक ए या पॉइंट टू भी दिया हुआ है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा
आपको मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, या आप डेसिमल, या आप इसको पहले डेसिमल में करिए फिर ऑक्टल में करिए, या इसको बाइनरी में करिए फिर ऑक्टल में करिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे जो इजी होता है मन में दिमाग रख लेना हमेशा, अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको बाइनरी में करना है, क्योंकि वो सरल होता है। इसको हम लोग बाइनरी में करेंगे, तो ए एफ दिया हुआ है, तो एफ मतलब 15 15, तो 1 2 4 8 लिख लो बाइनरी करने के लिए। 1 2 4 8 15 दिया है, 8 4 4 4 12 2 14 15, यानी क्या हो, पहले ए का करते हैं, पहले ए कर लेते, ए मतलब 10, 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10, यहाँ क्या होगा 1 सॉरी 0 1 0 1। एफ का करते हैं, एफ मतलब सब 8 4 12 12 2 14 प्लस 15, तो 1 1 1 1 हो गया। फाइंड कर लें 2 का क्या होगा, 2 का ये है 0 1 0 0। बी का मतलब ए का 10, तो बी का 11, 11 कैसे आएगा, 11 कैसे आएगा, 8 2 10 11, 8 2 10, तो 1 1 0 1, ये हो गया आपका बाइनरी। अब आपसे पूछ रहा ऑक्टल करने को, सिंपल, तीन तीन का पेयर, तीन तीन का पेयर, एक छोटा एक पैडिंग कर लीजिए, तीन तीन का पेयर, तीन तीन का पेयर, एक छूट रहा है यहाँ पर एडिंग कर लीजिए, फिर बस निकाल लीजिए 1 2 4 1 2 4, कितना हुआ 7 1 2 4 3 1 2 4 1 1 1 2 4 2 1 2 4 1 2 4 2, कितना है 137.232 इज इक्वलेंट टू दिस, ठीक, एकदम इजी है 137.232, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हेक्सा टू ऑक्टल किया। अब यही ऑक्टल टू हेक्सा करना हो, सिंपल, ऑक्टल हेक्सा मान लो मैंने एक ले लिया 72.1, 8 को हमें करना है हेक्सा में। हाँ ये ध्यान देना, कभी कभी 16 की जगह एच लिखा रहता है, तो एच का मतलब हेक्सा होता है, ध्यान देना, ठीक। चलो 72.1 को हमें चेंज करना है, तो हमने बताया था मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, इसको हम लोग बाइनिंग पहले करते हैं। बाइनिंग करने के लिए पहले वही 128 124 124, पहले क्या है 7 है, 7 4 2 6, तो यहाँ पे क्या होगा 111, 2 क्या होगा ये होगा 010.1, क्या होगा ये होगा 001। ये हमने क्या कर लिया, मैंने बाइनरी में निकाल लिया। अब इसको एक्सा में करना है, चार चार के पेयर चाहिए, ये चार, दो पैडिंग कर लो, चार इधर एक ये पैडिंग कर लो, चार बस निकाल लो खड़ाक से, 1 2 4 8, कितना हुआ 8 2 10, यानी ए ये हो गया, ये कितना हुआ 1 2 4 8 यानी 3, तो 3 ए हो गया पॉइंट, ये कितना हुआ 1 2 4 8 2 है, 3 ए पॉइंट 2, इतना आंसर कितना 16। एकदम ईजी था, बस आपको 1 2 4 ऑक्टल के लिए, 1 2 4 8 हेक्साडेसिमल के लिए, चार का पेयर हेक्सा में अगर बाइंडिंग कर रहे हैं, और तीन का पेयर ऑक्टल में अगर बाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक। तो एकदम ईजी था, नंबर से आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर 8318119800, कंप्लीट कोर्स करना है एकदम मिनिमल चार्ज पे, विथ नोट्स प्रैक्टिस शीट्स। तो आपको कहाँ जाना है, www.binarytube.in पर मॉडल नोट्स प्रैक्टिस शीट चाहिए, तो टेलीग्राम पे लिखिए, टेलीग्राम इंस्टॉल किए, टेलीग्राम क्या लिखिए, बाइनरी
प्रयागराज ये क्या है टेलीग्राम चैनल है हमारा ठीक। आप इस पे भी जाके क्या कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होगा जो भी मॉडल पेपर जो भी फ्री डेमो वाले रहेंगे उसी में पोस्ट किए जाएंगे, आप उसको भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम आप खुद से कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा, वीडियो को देखते लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए, और अगर आपको एग्ज़ाम देना है ओ लेवल करना है तो BinaryTube.in पर जाके आप हमारे पैकेज देख सकते हो, उस पैकेज को आप परचेज कर सकते हैं और आसानी से घर बैठे जो कि हमारा मोटो है घर बैठे पढ़े सीखे और पास करें उसको आप कर सकते हैं। अभी हाँ हम लोग कम से कम 12 लड़कों ने अभी तक जुलाई में जो एग्ज़ाम है उसके लिए स्टूडेंट रहा है। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए और हम इनक्रेज करने के लिए, तो अधिक से सब्सक्राइब करिए शेयर करिए ताकि हम आगे भी अधिक वीडियो बना सके। ये हमारी लास्ट वीडियो है, इसके बाद जो भी वीडियो पड़ेगी वो आपको शो करेगी BinaryTube.in में लेकिन आप देख नहीं सकते हो, देखने के लिए आपको उस पैकेज को परचेज करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और